हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अनुराधा सिंह, और अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको हमेशा ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं यहाँ पर शेयर कर दूँ ताकि आप जो है ना जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मैंने टेलीग्राम पे जो है ना शेयर कर दिया है क्लास को, और आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी मेरे नाम से ही है, अनुराधा सिंह मेरा नाम है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, मैंने क्लास का लिंक भी शेयर कर दिया है, प्लीज़ ज्वाइन करिएगा सेशन को। और हमारे पास जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो ये हमारे पास होता है और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, आप ज्वाइन कर लेते हैं अगर तो। ओके, यस, हाय आकाश, वेलकम, गुड आफ्टरनून। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाय ऋषि, क्या अकेले अकेले बातें कर रही हो मैम? अरे आप लोग जब तक आएंगे नहीं तो अकेले अकेले बातें करनी पड़ेगी ना। अब आप लोग आ गए हैं, अब तो बात करने के लिए लोग मिल गए। चलिए ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मॉडिफाइड होने वाला है, तो आप ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी सेशन को। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो दिया गया है ध्यान से देखेंगे क्या है। डार्विन फिंच रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पे है कि डार्विन फिंच जो है ये किसके लिए ये नाम दिया गया है, फिशेस के लिए और लिजार्ड के लिए, बर्ड्स के लिए, एम्फीबियंस के लिए। ऋषि मेरा हाल चाल तो अच्छा है, आपका हाल कैसा है? काशा आ, मुझे भी मराठी सिखा दो आप, बढ़िया रहेगा, फिर हम भी अप्सरा आली गाना गाएंगे। चलिए, आकाश ने कहा है करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बोल रहे हैं कि एम्फीबियन के लिए डार्विन फिंच यूज किया जाता है, और कोई है जो बताएगा? ऋषि कह रहे हैं लिजार्ड के लिए यूज किया जाता है। वाह वाह, क्या मस्त तुम लोग गैस लगा रहे हो, क्योंकि ये डार्विन फिंच वाला क्वेश्चन जो है पहले भी मैंने करवाया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन है कुछ, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता दूं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। डार्विन फिंच बर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। डार्विन ने जो है 18 अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अलग अलग स्पीसीज ने अपने चोंच के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे इवोल्यूट किया, यानी उनका उद्विकास कैसे हुआ, कैसे वो नेचर में उनके खाने की अवेलेबिलिटी किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, उस हिसाब से उनके चोंच में, उनके बीक के शेप में अंतर आया। तो उन्होंने उसको डार्विन फिंच का नाम दिया कि अलग अलग टाइप ऑफ शेप ऑफ बीक आप देख सकते हो चिड़िया में, ये इवोल्यूशन के कारण हुआ है, उद्विकास के कारण हुआ है, ठीक है? सो यस, ये बात उन्होंने बताई थी। हाय अरविंद, वेलकम। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फीजन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका उपयोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बोरॉन, हैवी वाटर, यूरेनियम, प्लूटोनियम। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? ये तो आप कई बार किए हो, ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, सो इसलिए जल्दी से ट्राई करना कि आप जल्दी से करेक्ट आंसर करो। अरविंद ने कहा है कि ए आंसर होगा, मैम बोरॉन का यूज़ करते हैं। और भी है कोई जो इसका आंसर करना चाहेगा करेक्ट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू अब्सॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। ऋषि का कहना है कि मैम ए आंसर होगा, बोरॉन। चलिए फिर देख लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हम वहाँ पर बोरॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है? आकाश का आंसर गड़बड़ हो गया, बाकी सबने करेक्ट किया है, बोरॉन का यूज़ करते हैं ताकि चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रॉड के तौर पे इस तरीके से मौजूद होता है, इसको फिट
दूसरा है अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। तीसरा है कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। चौथा है अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। तो आप बताओ कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, एक बार लाइक कर देना सेशन को और जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन भी कर लीजिए। चलिए जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ओके, जल्दी से आंसर करें, आज तो मुझे लग रहा है अभी ज्यादा लोग आए भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, अरविंद कुमार प्रजापति ने कहा है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। ओके, और बाकी लोग कोई आंसर नहीं करना चाहेगा, चलो ठीक है। अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया यहाँ पे होगी। फ्यूजन में जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपका अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, यस वेरी गुड, यस यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन जो कि आपका डी ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर, बिकॉज आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन अभी तक गलत कर रहे हो, ये जान जाना। ठीक है, आप बहुत गड़बड़ क्वेश्चन, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन को गड़बड़ कर रहे हो। ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू सन, सूर्य के सबसे निकट है। देयर आर द चार्ज पार्टिकल इन इट, उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। इट इज हीटेड बाई द अर्थ, अर्थ इसको हीट करता है, या फिर हीट इज जनरेटेड इन इट। ट्रोपोस्फेयर हॉटेस्ट पार्ट क्यों कहा जाता है एटमोसफेयर का, रीजन क्या है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उज्जल मंडल ने कहा है सी, आकाश अवस्थी कह रहे हैं ए हो जाएगा, क्लोजेस्ट होता है सन के, इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि सी हो जाएगा, अर्थ के सरफेस में ये हीट होता है। सो यस वेरी गुड ऋषि एंड उज्जल, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये पृथ्वी के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, मतलब अर्थ सरफेस के सबसे करीब है ये, इस वजह से ये आपका सबसे गर्म पार्ट है। आप देखो अर्थ में एटमोसफेयरिक लेयर इस तरीके से हैं, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर आता है, थर्ड मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर पे आपकी जो भी प्लेन वगैरह होती है
अभी बताना आप, मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरी वॉइस अब आ रही है आपको क्लियर? साउंड थोड़ा कम है, अब बताना अभी वॉइस आ रही है? अभी क्लियर है मेरी आवाज़? वो क्या है ना कि ये जो ये पायलट वाला डिवाइस है ये लगा हुआ छूट गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें से वॉइस आ रही थी, इसलिए इतनी बेकार वॉइस आ रही थी। सॉरी यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे पता नहीं था मैं अनअकैडमी में आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रहा हूँ। माय गॉड, मानस, कोई बात नहीं, वहाँ पे देख लो आप क्लासेस, वैसे यहाँ भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके, सॉरी यार, मुझे आइडिया नहीं था कि ये बेवकूफ़ी मैंने की है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग जो होता है उसकी हम लोग फ्लावर बर्ड को यूज़ करते हैं, जो कि ड्राइड फ्लावर बर्ड होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिविजन ऑकर आफ्टर बर्थ इज, मनुष्य में वह ऊतक जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होती, जन्म के बाद कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होता है? स्केलेटन, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू या जर्मल? अब बहुत बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको। जल्दी से आप बता दो कि ऐसा पार्ट जहाँ पे सेल डिवीजन होता ही नहीं है, उस पार्ट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, नो सेल डिवीजन ऑकर्स आफ्टर बर्थ, स्केलेटन, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू और जर्मिनल। कल अनअकैडमी ने सैद टीचर को निकाल दिया। देखो यार, दिक्कत क्या हो रही है ना, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, ये अभी थोड़ा सा सारे प्लेटफॉर्म का अभी वो ऑनलाइन मार्केट उतना अच्छा चल नहीं रहा है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब सब कुछ ओपन हो गया है, बच्चे भी चाहते हैं कि ऑफलाइन जाके पढ़ूँ, वहाँ चार लोग मिलेंगे, थोड़ा सोशल इंटरेक्शन होगा, तो अभी ऑनलाइन का थोड़ा सा डगमगा रहा है। और अनअकैडमी में तो जो वहाँ के CEO हैं उन्होंने ट्वीट भी किया है कि शायद कि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी चलाऊंगा, मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूंगा अपना, तो वो अभी ऑफलाइन की तरफ भी जा रहे हैं। तो अब ये जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, ये लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, बस यही होने वाला है। तो यहाँ पे है, चलो इसमें आ जाते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ना स्केलेटन और नर्व्स और कनेक्टिव और जर्मल, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, जो नर्व सेल होती है ना, ये नर्व सेल ही हमारे ब्रेन में होती है और इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेल डिवीज़न करने लगे, और सोचो कभी इनका मैकेनिज्म गड़बड़ हो जाए, तो पूरा ब्रेन में ही आदमी का कैंसर क्या होता है, सेल डिवीज़न अनकंट्रोल होता है तो कैंसर होता है ना। तो इसीलिए भगवान ने ब्रेन में सेल डिवीज़न का प्रॉपर्टी दिया ही नहीं है कि धोखे से भी सेल डिवीज़न अनकंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से जो नर्व सेल होती है इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता। ये सिर्फ बहुत होगा कि कई बार क्या होता है कि पैरालाइज हो जाता है आदमी, तो नर्व सेल नहीं काम करती है, तो थोड़ा बहुत सालों बाद थोड़ा थोड़ा उसमें मूवमेंट आने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा आप उसको उनके न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी जो उनकी सेल्स हैं उनको आपस से एक्टिव कर सकते हो, सिर्फ नई नर्व सेल आप कभी जनरेट नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत मिस किए आपको, आज से रेगुलर आऊँगा। ओ माई गॉड, दिल्ली में शुरू भी कर दिया है, देखो उज्ज्वल ने कहा दिल्ली में शुरू कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, स्टार्ट तो हो गया है, वही दिक्कत है अभी, देखो ऑनलाइन का प्रॉब्लम चल रहा है। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द, DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है किसको आइडेंटिफाई करने, पेरेंट्स, रेपिस्ट, थीव्स, ऑल ऑफ एबव। बहुत आसान है, बताना, एकदम ईजी है ये। DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं आपको पता होना चाहिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग में अगर सिंपल एक सैंपल भी मिल जाता है ना, तो भी आदमी मतलब अगर पसीने का या ब्लड का सैंपल या सलाइवा कुछ भी मिल जाता है, तो भी आदमी का पता लग जाता है कि कौन था जिसने जो है रेप किया है, या कौन चोर है, या कौन पेरेंट्स है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर जैसे किसी भी क्राइम का ले लो या पेरेंट्स का ले लो, किसी भी चीज़ को आपको मैच करना है, तो होता यही है कि जहाँ पे भी वो पर्सन है, उस पर्सन का सलाइवा, इवन सलाइवा भी मिल जाएगा, या एक सिंपल एक हेयर भी मिल जाएगा ना, उससे भी पता चल जाएगा कि उसका DNA मैच कर रहा है या नहीं, वो सेम पर्सन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। आपका फेवरेट टीचर रजत कुमार, उसको भी निकाल दिया, उनकी फंडिंग अब प्रॉपर बैठ नहीं रही है, मतलब वो ऑनलाइन में उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिनका भी छोटा यूट्यूब चैनल है उनको नहीं रख रहे हैं, जिनके बड़े यूट्यूब चैनल है केवल उन्हीं को रख रहे हैं। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, हाय चिंटू कहाँ थे, लेट हो गए, कोई बात नहीं। कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल ह्यूमन ब्लड में कितना होता है?
मानस, ये तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से मंथ का देखोगे, बस हम ये कहेंगे कि जो थियरी में आपका जो जो टॉपिक वीक है उसको पढ़ लो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। मुझे याद नहीं है यार, मैंने देखो मैंने हर महीने में ही लगभग थियरी क्लासेस चलाई हैं, एक दो थियरी क्लासेस अक्सर चलाई हैं। अभी रिसेंट जब मुझे वहाँ से, हाँ मुझे लग रहा है अगस्त का या जुलाई का, हाँ अगस्त का या हाँ अगस्त का या जुलाई का देख लोगे, उसमें भी थियरी हुई है। अरविंद ने कहा है बी और ओके सो यस। तो यहाँ पे नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना, वो 180 से 200 mg होता है। यहाँ पे आप देख लो कोलेस्ट्रॉल लेवल का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, हमेशा लेस देन 200 mg होना चाहिए डिजायरेबल। और जिसमें भी, उसमें भी दो तीन टाइप का कोलेस्ट्रॉल चेक किया जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल। यहाँ पे आप पूछा है निम्नलिखित में वार्म ब्लडेड एनिमल कौन है। वार्म ब्लडेड मतलब आप समझ रहे हो, मतलब हो गया कि जिनका ब्लड का, जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल इसमें से कौन सा है, बताओ। वेल, शार्क, एलाइट्स, ड्रैको। राहुल, हाय राहुल, वेलकम। शौर्य, हेलो वेलकम। सब ए बता रहे हैं, ओके तो वार्म ब्लडेड एनिमल का पूछा गया था जिसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। सो यस, वेरी गुड, वेल करेक्ट हो जाएगा। वेल के बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता, वेल के बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं कि ठंडी का मौसम आएगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स या ऐसा मतलब कोई भी ऐसा जीव जिसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहे, जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज ना होता हो, उसको आप कहते हो वार्म ब्लडेड एनिमल। और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, जिनका बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन है सायरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, सायरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है, ये किस में होता है, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना। वॉइस बॉक्स का नाम सायरिंग्स है और ये किस में होता है, ये पूछा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कम ऑन जल्दी से बताओ। सायरिंग्स जो है ये आपका किसके, किस में पाए जाने, बारिश हो रही है, हाँ यार बारिश तो सुबह से ही हो रही है। तन्मोय ने कहा है सी, ओके। राहुल ने कहा है सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे करेक्ट आंसर दिया है आपने। पक्षी में क्या होता है, सायरिंग्स पाया जाता है, एट द पॉइंट वेयर विंड पाइप डिवाइड, जहाँ से विंड पाइप पक्षी का डिवाइड होता है, बर्ड्स का डिवाइड होता है, वहीं से वो वॉइस बॉक्स उनका स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सायरिंग्स, उनको हम सायरिंग्स कहते हैं। हमारे पास सायरिंग्स ना होकर के लैरिंग्स होता है, ठीक है। तो हमारी आवाज़ तो लैरिंग्स से आती है, लेकिन उनकी आवाज़ सायरिंग्स से आती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पार्ट को हम सायरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका ट्रैकिया है और ये पार्ट आपका सायरिंग्स है, ठीक, याद रखना। लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बायोम, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। चलिए, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बायोम, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर। राहुल ने कहा है सी हो जाएगा। अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया था ये तो ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उज्ज्वल कह रहे हैं मैम, हाइड्रोस्फीयर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। और भी कोई है जो बताएगा, चलो जल्दी से बता दो। तन्मोय ने कहा है बी, अरविंद भी कह रहे हैं कि मैम बी होगा, हाइड्रोस्फीयर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, ओके। राहुल ने कहा है सी हो जाएगा, ओके। सो यस, यहाँ पे हम लोग कहेंगे बायोम करेक्ट है, नॉट हाइड्रोस्फीयर, बायोम। तो देखो आप, बायोम का मतलब क्या हो जाता है, इसमें हम अगर आए देखिए, बायोम में आपके जितनी भी अलग अलग इकोसिस्टम है उसको हम लोग इंक्लूड करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है कि बायोम क्या चीज़ है, तो बायोम में हमेशा लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम, सबके किसी भी एक बड़े पार्ट को हम लोग बायोम में रखते हैं, ठीक है।
ठीक, तो ये याद रखना आप. यस, जहाँ पे भी मतलब आपको नॉर्मल लिविंग एनिमल्स पाए जा रहे हैं ना, वो सब सब पार्ट बायोम माना जाता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरीके का फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और जो मराइन एरिया है यानी जो सी वाटर का एरिया है, इन सब को आप एक ही में इंक्लूड करते हो और उसको आप बायोम के नाम से जानते हो. ठीक है. तो बेसिकली बायोम लैंड का यानी धरती का और समुद्र का यानी सी का, उसके किसी भी एक बहुत बड़े एरिया को कहा जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में. भूल हुआ, कोई बात नहीं. इन अ फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाई प्लांट इज ओनली. ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ लो कि आपको हर एग्ज़ाम में ही ये पूछा जाता है. अब आप इसके बारे में बताना. एक खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा केवल होती है 10%, 1%, 0.1%, 0.01%. ओके, चिंटू कह रहे हैं डी हो जाएगा. नहीं तन्मोय, सी का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट जहाँ पे सी हो और लैंड एरिया हो जिसमें कि फॉरेस्ट आ रहा है और ग्रासलैंड एरिया आ रहा है, उन सबको आप कलेक्टिवली बायोम कहते हो और कलेक्टिवली वो सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम माने जाते हैं. उज्ज्वल ने कहा यहाँ पर सी होगा, स्टडी आई क्यू ने भी यहाँ पर सी ही आंसर किया है. विकी राजा कह रहे हैं डी हो जाएगा. मानस कह रहे हैं डी हो जाएगा. यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी है, 0.1%. ठीक है, तो 0.1% जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यस हाँ. सो आप देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, वो 1000 joule ऑफ लाइट एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और उसमें से 900 joule एनर्जी लॉस्ट वो एनवायरनमेंट में कर देते हैं, 100 joule एनर्जी वो ट्रांसफ़र करते हैं. फिर उस 100 में से जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी जो घास खाते हैं, वो 90 joule एनर्जी इन्वायरमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओनली 10 joule एनर्जी वो ट्रांसफ़र करते हैं. फिर जब वो कार्निवोर के पास पहुंचता है तो वो 9 joule ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन्वायरमेंट में कर देते हैं. ठीक है, तो फूड चेन में प्लांट्स जो भी सोलर एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहा है, बेसिकली वो जो यूटिलाइज़ कर रहा है, जब वो 900 joule निकाल ही दे रहा है, तो ये उसके यूटिलाइज़ का जो परसेंटेज है 0.1% होता है. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में. सुपरसोनिक जेट कॉजेज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ. सुपरसोनिक जेट किसके पतला होने द्वारा प्रदूषण का कारण बनता है? O3 लेयर, O2 लेयर, SO2 लेयर, CO2 लेयर. चलिए अच्छा क्वेश्चन है. सुपरसोनिक जेट कॉजेज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ. सुपरसोनिक जेट किसके पतला होने के कारण प्रदूषण का कारण बनता है? स्टडी आईक्यू ने कहा है ओजोन. उज्ज्वल थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मानस ने कहा है ए. ओके, सो यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर. तो O3 लेयर जो होते हैं ना, ओजोन लेयर होता है, वो जब पतला हो जाता है तो सुपरसोनिक जेट के प्रदूषण के कारण ही वो पतला होता है. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिट फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन रियली कम्बाइंड विद द ओजोन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन. तो यहाँ पे लिखा है कि सुपरसोनिक जेट से जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, वो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से जाकर के मिक्स हो जाते हैं और वो फिर ओजोन जो है, इस ओजोन लेयर को जो है हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है OTEC स्टैंड फॉर. देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है. OTEC का मतलब क्या होता है? ओशियन थर्मल एनर्जी. सेकंड है ऑयल एंड थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन. थर्ड है ओशियन थर्मल एनर्जी. फोर्थ है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. यहाँ पे लास्ट वाला कन्वर्जन दिया है. ठीक है, अब आप बताओ इसमें कि क्या हो जाएगा करेक्ट. आज बहुत कम लोग आए हैं मेरी क्लास में, सब मौसम का मजा लूट रहे हैं, बारिश हो रही है तो सब घूमने निकल गए हैं. तो OTEC का मतलब क्या होता है? सुनील ने कहा है ओशियन थर्मल एनर्जी बोलते हैं. क्लास टाइम लास्ट में बता दीजिएगा मैम. मानस, क्लास टाइमिंग मेरा 12 बजे का ही रहता है जनरली. आजकल हम 12:15 पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो यस आप
12 से 12:30 के बीच में क्लास स्टार्ट हो ही जाती है, ठीक है। तो यही टाइम स्लॉट चल रहा है और 1:30 बजे तक चलेगा क्लास, ठीक है, 1:30 तक। अरविंद ने कहा है डी हो जाएगा, ओके। सो देख लेते हैं हम लोग, इसका फुल फॉर्म है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, महासागर थर्मल ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जितना भी ओशियन से वाटर है उसको लेकर के थर्मल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। आप देख सकते हो पूरा प्लांट का यहाँ पे फोटो आपको इस फोटो में दिख रहा है कि किस तरीके से काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे, व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वो इकाई जिसको हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, मेगाहर्ट्ज़, कैरेक्टर पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, नैनो सेकेंड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी बहुत कम है, जब मैं क्लास ख़त्म करने लगूंगी ना, जब 1:30 बजता है 1:30 पे बच्चे आना स्टार्ट होते हैं। खैर ये भी मेरी ही गलती है, जब मैंने एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया ही नहीं है तो उनको आदत कैसे पड़ेगी, अभी आदत पड़ते पड़ते टाइम लगेगा ना। चिंटू ने कहा है बिट्स, उज्जवल मंडल ने कहा है सी, ओके। सो यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। सुनील, चिंटू, उज्जवल, सबका आंसर करेक्ट हो गया है, बिट्स पर सेकेंड कहा जाता है। बिट जो है ये मेगा बिट पर सेकेंड, MBPS इसी को बोला जाता है, वही स्पीड होती है मेजर करने की डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 byte = 8 bits होता है, ठीक है। बाइट्स मेजरिंग साइज हमारा मेगा बाइट या MB में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, बोला गया है कि कौन सी अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन निकल करके आएगा। फ्यूजन रिएक्शन, फीजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलिए जल्दी से आप इसको बताइएगा करेक्ट क्या हो जाएगा। मैम आज घर से बाहर हूँ पर क्लास देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच। बताइए, फ्यूजन, फीजन, केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन देगा। स्टडी IQ ने कहा है केमिकल रिएक्शन होगा। मैम ध्यान से देखो, ध्यान से ऑप्शन को देखना है, बिल्कुल स्कैन करके देखो, इसमें ऑप्शन तुम्हारा जो है ना वो छूटना नहीं चाहिए, ओके। चलो सब यहाँ पे ना के फीजन के साथ, अच्छा अरविंद फीजन के साथ जा रहे हैं और स्टडी IQ कह रहे हैं केमिकल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फीजन रिएक्शन। विखंडन प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, हानिकारक होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं ये और विखंडित हो रहे हैं, यानी और भी ज़्यादा विखंडित हो रहे हैं, इसमें से और भी न्यूट्रॉन बन के निकल रहे हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन में ये जब इकट्ठा हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सा पार्ट जो है ये प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन और हीलियम भी मौजूद है। सो न्यूक्लियर फीजन जो है, फीजन रिएक्शन जिसमें हम बात करें, विखंडन प्रतिक्रिया की बात करें तो विखंडन प्रतिक्रिया सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज़ यूज फॉर मेकिंग ग्लास रीइन्फोर्स प्लास्टिक, बोला जा रहा है किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है ग्लास रीइन्फोर्स प्लास्टिक बनाने के लिए। पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, फाइबर ग्लास। चलो कम ऑन, जल्दी से इसका आंसर करना। पता नहीं क्यों हिमानी सिंह मैम और आप, पहली बात उनका नाम हिमानी शर्मा सिंह नहीं है, उनका नाम हिमांशी है, हिमांशी सिंह नाम है, और वो ही ना जो टीचिंग के लिए पढ़ाती हैं। और दूसरी बात कि हमारा और उनका फेस बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। मानस तुम जो है ना चश्मा लगा के देखो फिर से ध्यान से, मैडम जो है वो थोड़ी बहुत पतली दुबली सी हैं और हम थोड़े पहलवान टाइप के हैं तो बहुत फ़र्क है। सुनील, पायरेक्स ग्लास, आकाश ने कहा है डी, हाय सुबह लेट हो गया कोई बात नहीं, राहुल डी, उज्जवल मंडल डी, ओके। सभी लोग बोल रहे हो कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यस यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर है, फाइबर ग्लास, ठीक है। तो फाइबर ग्लास का उपयोग हम लोग करते हैं, यहाँ पर फाइबर ग्लास करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉजेज इटाई डिजीज, इटाई रोग किसकी वजह से होता है, सिंपल क्वेश्चन है, अब आप बताओ। कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, इटाई हो गया आपका, और हो गया आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना, और कौन सा रोग होता है, बहुत सारे रोग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ मिनी माता,
ब्लैक फुट डिजीज, ये चार रोग कई सालों से चले आ रहे हैं, इनके क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं। अब आप पहले इटाई इटाई का बताओ, फिर मैं बाकी का बताऊँ। आप तो सब बता लोगे, मुझे पता है आपको सब आता है, मुझे एकदम भी बिल्कुल भी ऐसा शक नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे। ओके, सो इटाई इटाई कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। इटाई इटाई एक ऐसा रोग होता है जो कि सबसे पहले जापान में स्टार्ट हुआ था 1912 में, जिसमें कि नदियों में क्या हो गया था, कैडमियम की बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई थी, कैडमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हो हड्डियाँ बिल्कुल बेंड हो जाती हैं और इंसान जो है हड्डी का सहारा नहीं ले पाता है प्रॉपर चलने उठने बैठने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैडमियम करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करें मिनी माता की, तो मिनी माता आप देख रहे हो, आप खुद बता रहे हो मरकरी से ये होगा, यस ये मरकरी से होने वाला रोग है आपका। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये कैसे होता है जल्दी से भी बता दो। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसमें कि बच्चे पैदा होने से पहले उनका मतलब पैदा हो जा रहा है, उसके बाद शरीर नीला पड़ जा रहा है और मर जा रहा है, याद करो ये भी आपको बताया गया था। ब्लैक फुट डिजीज़ पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आर्सेनिक के बढ़ने की वजह से होता है। सिर्फ ये आप बता देना ब्लू बेबी सिंड्रोम, तब तक हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोल इज एडेड टू एविएशन गैसोलीन बिकॉज इट, ग्लाइकोल को हम विमान में जो गैसोलीन होता है उसमें जोड़ा जाता है, क्यों, ताकि ये इवापोरेशन पेट्रोल के इवापोरेशन को रिड्यूस करें, या फिर पेट्रोल की एफिशिएंसी को बढ़ा दें, या फिर पेट्रोल की फ्रीजिंग को रोक दें, या फिर पेट्रोल के कंजम्पशन को कम कर दें। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। नहीं आपने गलत बताया है सुबह, चलो मैंने बताया था ना पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। निकिल विकिल नहीं होता है, पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। और यहाँ पे पूछा गया ग्लाइकोल क्यों ऐड करते हैं, सो हम पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर ग्लाइकोल की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपके हाइड्रोक्साइड्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, जिससे क्या होगा पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया था जल्दी बताओ। एंटीनॉकिंग का मतलब वही होता है कि हाँ जैसे कि पेट्रोल का इग्निशन पावर अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम लोग एंटीनॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हमको फ्यूल का ईंधन का इग्निशन पावर चेक करना है कि उसकी वो कितना जल्दी इग्नीट हो जा रहा है, यानी कितना जल्दी वो बर्न होने लग रहा है, कितना जल्दी वो पकड़ लेगा और ईजली इंजन को स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं, यस। सो यहाँ पे हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन था क्वेश्चन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने पेनिसिलिन को इन्वेंट किया था 1881 से 1955 के बीच में डिस्कवरी हुई है पेनिसिलिन की, ठीक है। और यहाँ पे यस ये फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी कहलाते हैं, एंटीबायोटिक एंटी नॉकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा पेट्रोल का, हाँ यस। तो वही हम कह रहे हैं ना कि पहले ये प्रॉपर चेक हो जाता है कि पेट्रोल जो है वो उसका इग्निशन पावर ठीक है या नहीं, और फिर हम उसका यूज़ करके उसको और इंक्रीज कर लेते हैं, तो बेसिकली उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। विच ट्रबल्ड मॉडल वॉज रिकॉल्ड रिसेंटली बाई इंडियन ऑटोमोबाइल जेंट मारुति सुजुकी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी फ्यूल पंप गैसेट, भारत द्वारा हाल में कौन सा मॉडल ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने उसका जो ईंधन था ना वो बहुत मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, तो किससे रिप्लेस कर दिया है उसको, ये पूछ रहा है। विच ट्रबल मॉडल वॉज रिकॉल्ड बाई द इंडियन ऑटोमोबाइल जेंट मारुति सुजुकी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी फ्यूल पंप गैसेट, चलो जल्दी से ये बता देना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दीपक केसरी कह रहे हैं डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, ठीक है। अभी ईंधन में उनकी प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने इसे डिस्कवर उससे चेंज किया है। हु डिस्कवर्ड साउथ पोल, साउथ पोल की यस वो वेरी गुड, साउथ पोल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट पेरे अमुंस्टन जॉन कैबॉट टैस्मैन, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साउथ पोल की डिस्कवरी की है अमुंडसेन ने, ठीक है। तो ये सबसे पहले इन्होंने साउदर्न पोल के बारे में बताया था, ओके। नेक्स्ट में आते हैं,
अर्थ इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, ये बताना। पृथ्वी अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है, सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है कब? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। अरविंद कह रहे हैं दिसंबर, शुभ चक्र कह रहे हैं 4 जुलाई होगा। चलो सभी बता दो करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी से। ओके 22 सितंबर बता रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई करेक्ट आंसर है। 4 जुलाई को पृथ्वी सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है। द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन दैट रिड्यूस विजिबिलिटी एंड कॉजिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आप बताओ कि कंडेंसेशन का वो फॉर्म जिसमें कि आप प्रॉपर देख नहीं पाते हो, विजिबल चीज़ें नहीं होती, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। ड्यू, फ्रॉस्ट, स्मॉग, मिस्ट। अब ये इसकी हिंदी मैं आपको कैसे बताऊं, बट चलो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। स्मॉग के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, इसको हम हिंदी में धुंध भी बोलते हैं। तो धुंध बेसिकली क्या होता है कि हमेशा ये कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स जनरली ये जब हवा में मिल जाते हैं और प्लस स्मोक प्लस डस्ट पार्टिकल प्लस फॉग, ये सब चीज़ें जब मिल जाती है ना तो स्मॉग निकलता है। ठीक है, और स्मॉग सबसे ज़्यादा, जैसे आप देखो दिल्ली में गर्मी के टाइम पे ऐसा लगता है कोहरा हो गया है, तो वो क्या है, वो भी स्मॉग है। तो स्मॉग बेसिकली दो तरीके के होते भी हैं, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग और दूसरा होता है क्लासिकल स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग वो स्मॉग होता है जो आपको ठंडी में, जब ठंडी स्टार्ट भी नहीं हुई होती, अभी खाली हल्का मौसम ही आया होता है ठंडी का, तभी आपको कोहरा दिखने लगेगा भयंकर सुबह उठो तो वो क्या है, वो असल में कोहरा नहीं है, वो असल में स्मॉग है, धुंध है, मतलब पॉल्यूशन है। और गर्मी के टाइम पे जैसे जो हम दिल्ली वाले केस की बात कर रहे हैं आपसे कि दिल्ली में आप देखो गर्मी में भी पूरा एकदम कोहरा कोहरा टाइप हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है, दोपहर में भी वो लोग निकलते हैं, तो वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड ये सारी चीज़ें और बहुत सारी हानिकारक गैसें ये सब जा कर के मिक्स हो जा रही हैं एयर से, और वहाँ पे इस फॉग से सबसे मिक्स हो जा रही हैं। और मिक्स होने के बाद वो लोग क्या बना रहे हैं, दो बहुत ही हानिकारक चीज़ें बनाते हैं। एक होती है ओजोन गैस, वो बना लेते हैं, जो कि ओजोन गैस भी बहुत ख़तरनाक होता है हमारे लिए। दूसरा वो पैर बना लेते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो कि इन्वायरमेंट के लिए, पेड़ पौधों के लिए बहुत बेकार होता है, पूरे पेड़ पौधों को ख़राब कर देता है, ये भी धुंध के कारण ही बनता है। और ओजोन जैसी हानिकारक गैस भी धुंध के कारण ही बनती है। ठीक है, तो वो कौन सा धुंध है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद। अब आप रिकॉल करो, आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा ना, तब आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है किस में। मैंने आपको बताया था ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड, बुक लंग्स, ये सब कुछ स्पेशल नाम है जो आप क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं। आज मेरे पास अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे नहीं हैं, जब क्वेश्चंस रहते हैं तो बच्चे बहुत सारे रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, वेरी गुड उज्ज्वल, बहुत अच्छे। ग्रीन ग्लैंड किस में होता है, ये जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं उनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है, क्रस्टेशियंस में ज़्यादातर पाया जाता है, यानी ऑर्थोपोडा संघ के कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें आपको ग्रीन ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा। और ग्रीन ग्लैंड से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, रिस्पिरेशन नहीं होगा, एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, हाँ, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड और ये सब बातें। चलो ओके, देखो इसको हम लोग यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि कहाँ पाया जाता है, ये प्रॉन में होता है। ठीक है, ये जो आपका ग्रीन ग्लैंड होता है ज़्यादा प्रॉन में पाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे और भी ऑर्थोपोड्स हैं जिनके बाद जो बहुत फेमस नहीं है उनमें ये मौजूद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रॉन में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन गैस इंटर इंटू द ब्लड एंड लीव द सेम बाई द प्रोसेस ऑफ, बोला गया है श्वसन के दौरान गैस
रक्त में प्रवेश करती है और किस प्रोसेस के द्वारा वो गैस बाहर भी निकल जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फिर है हमारा ऑस्मोसिस। अब आप बताओ कौन सी विधि का यूज़ करके रिस्पिरेशन के दौरान गैस हमारे ब्लड में एंटर करेगी और फिर बाहर निकल जाएगी। गैस की बात हो रही है, उज्ज्वल आप फिर से ध्यान दो, गैस के ट्रांसफ़र कराने की बात हो रही है और गैस एक ही मेथड से ट्रांसफ़र होता है, वो है आपका डिफ्यूज़न। प्लीज़ आप तुम लोग ये कभी मत भूलो, किसी भी सेल में कोई भी अगर तुम लिक्विड चीज़ इंटर कराना चाहते हो या कोई सॉलिड चीज़ इंटर कराना चाहते हो तो वहाँ पर सिर्फ तुम ऑस्मोसिस का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आएगी गैस को इंटर कराने की बात तो हमारे लंग्स को ले लो या हमारे किसी भी अदर सेल्स को ले लो, हर जगह गैस को अगर घुसाना है तो वहाँ पे डिफ्यूज़न ही काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे लंग्स में मौजूद जो एल्वियोली होती है उसमें गैस को एंट्री कराने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ इसको दोबारा मत भूलना। तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, उसके लिए डिफ्यूज़न ही मददगार है। हर्ट इज़ डिवॉइड ऑफ, अब यहाँ पूछ रहा है कि हर्ट जो है ये उसमें कौन सी मांसपेशी, मतलब हर्ट को आप क्या बोलते हो, हर्ट की मांसपेशी को क्या बोलते हो, कार्डियक मसल्स हर्ट में पाई जाती है या इनवॉलंट्री मसल्स पाई जाती है या वॉलंट्री मसल्स पाई जाती है या फिर स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, हर्ट में कौन सी मसल्स होती हैं। नहीं, एक गोल्डन ग्रीन ग्लैंड का मतलब आप समझे नहीं। ग्रीन ग्लैंड ये एक ग्लैंड के जैसा है, ये एक ग्रंथि के जैसा है जो कि प्रॉन में यानी कि झींगा मछली में पाया जाता है और झींगा मछली इसी ग्रीन ग्लैंड की वजह से ही अपने शरीर से सारा वेस्ट बाहर निकाल पाती है। ठीक है, एक गोल्डन अब आपको समझ में आया। नहीं, उसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैम की क्लास का टाइम 12 बजे का है। ओके, तो चलो देख लेते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री मसल्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है, हर्ट जो है ये इन, यहाँ पे वॉल्यूंट्री लिखा हुआ है बल्कि ये इनवॉल्यूंट्री होगा, ये गलत लिखा हुआ है। इनवॉल्यूंट्री मसल्स के तौर पे हम उसको जानते हैं, यानी वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। और दूसरी बात कि इसके मसल्स को हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्डियक भी बोलते हैं, इनवॉल्यूंट्री होता है। द सॉयल सैलिनिटी इज़ मेजर्ड बाई, बताओ आपको अगर मिट्टी का सैलिनिटी यानी ये जानना है कि मिट्टी में कितना सॉल्ट है तो आप क्या यूज़ करोगे, कंडक्टिविटी मीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर या फिर ऑक्सैनोमीटर। ये क्वेश्चन भी पहले आप कर चुके हो, तो बेसिकली आप क्या यूज़ करोगे। हाँ, इनवॉलंट्री होगा, वॉलंट्री नहीं होगा, गलत दिया हुआ था उसमें। सॉयल सैलिनिटी को हम मेज़र करते हैं कंडक्टिविटी मीटर से। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मीटर आता है जिस उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखना कंडक्टिविटी मीटर से हम लोग उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे कुछ लोग डी आंसर भी कर रहे हैं, एक एक गोल्डन ने कहा डी। तो ऑक्सैनोमीटर की अगर बात आएगी तो याद रखना है ऑक्सैनोमीटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि प्लांट कितना ग्रो कर रहा है, पौधा कितना ग्रो किया है, वो अगर मेज़र करना है तब आप वहाँ पे यूज़ करोगे ऑक्सैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि सॉयल में कितना सॉल्ट मौजूद है, तो उसके लिए आप कंडक्टिविटी मीटर यूज़ करोगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़, अब आप बताओ इसमें से फंगल रोग कौन सा है। हाँ, इसमें से आप बताओ फंगल रोग कौन सा है, ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, रिंगवर्म, एलिफेंटेसिस, स्पेसिफिक खास फंगस की वजह से जो होता है वो बताना। मैम आपके यहाँ रीजनिंग कौन पढ़ाता है, मेरे यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही, ये मेरा चैनल है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरे यहाँ जैसा कुछ नहीं है और इसमें सिर्फ मैं हूँ जो कि जनरल साइंस का ही हम क्लास लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिंगवॉर्म दांत खास जो होता है ना, ये एक आपका फंगल रोग है। ठीक है, रिंगवॉर्म एक स्पेसिफिक आपका फंगल रोग के तौर पर जाना जाता है। सो थैंक यू सो मच, हम लोग अब मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत इजी क्वेश्चन थे आज के, फिर भी आप लोग थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे थे, बट कोई बात नहीं। सो यस, थैंक यू, कल 12 बजे आइएगा, कल भी आपका इस तरीके से एमसीक्यू चलेगा। ठीक है,
एंड फॉर यू यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। महान चीज़ें जो भी आपको अचीव करनी है ना उसमें समय लगता है। जैसे मुझे देखिए, मुझे भी महान चीज़ अचीव करनी है, यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, तो धीरे धीरे कछुए की चाल से हम चले ही जा रहे हैं, एफर्ट दिए जा रहे हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बाय चिंटू, बाय अरविंद, थैंक यू सो मच।